गुरुग्राम में गैंगस्टर संदीप गढ़ोली की प्रेमिका और मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड में लगातार नए और हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। बल्कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को और कई खुलासे करने में मदद भी मिलेगी। पुलिस की कब्जे में ली गई इस फुटेज और जांच में सामने आया है कि दिव्या होटल के मालिक अभिजीत सिंह के साथ 2 जनवरी को होटल पहुंची थी। दोनों होटल की सीसीटीवी के हिसाब से सुबह 4:18 पर होटल में दाखिल हुए थे। इस दौरान उनके साथ एक युवक और था। रिसेप्शन पर बातचीत के बाद तीनों आगे चले जाते हैं। पुलिस को एक और फुटेज मिली है, ये 2 जनवरी की रात 10:40 के करीब की फुटेज है। इसमें दो युवक एक कंबल में लेपटे शव को उठाकर और घसीटते हुए ले जा रहे हैं। युवक होटल के बाहर शव को ले जाकर फिर नीले रंग की VMW की डिक्की में उस शव को रख देते हैं। दिव्या बाबू की हत्या में गैंगस्टर की बहन सुदेश कटारिया और भाई ब्रह्म प्रकाश ने साजिश बताई है। दिव्या पाहुजा गैंगस्टर संदीप गढ़ोली की हत्या की एकमात्र जश्मीदीद थी। दिव्या की बहन नैना के अनुसार 2 जनवरी की सुबह तक उसकी उससे बात हुई थी। रात होने के बाद नंबर नॉट रिचेबल हो गया था। यह भी सामने आया कि दिव्या पाहुजा होटल मालिक अभिजीत सिंह के साथ घूमने के लिए निकली थी। वहीं पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि दिव्या पाहुजा होटल के मालिक अभिजीत सिंह को हनी ट्रैप करने के बाद ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि दिव्या को गोली सिटी पॉइंट होटल के मालिक अभिजीत सिंह ने मारी है। पुलिस की पूछताछ में होटल मालिक ने अपने गुनाह को भी कबूल कर लिया है। ये 2 तारीख की शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी लड़की की लाश होटल सिटी पॉइंट जो कि बस स्टैंड के पास है वहाँ है। इसी सूचना पे पुलिस वहाँ पहुँची और जब वहाँ पे होटल के तलाशी ली गई और जो कैमरे देखे गए उससे पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा और उसको फिर BMW गाड़ी में डाला गया। और जो बेसिकली होटल का मालिक है मिस्टर अभिजीत और उसके दोस्त जो कर्मचारी या साथी कर्मचारी जो रेस्टोरेंट में काम करते थे हेमराज और प्रकाश इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने होटल के कमरा नंबर 111 में से एक चुन्नी भी कब्जे में ली है, जिस पर काफी खून लगा हुआ था। इतने नहीं, FSL की टीमों ने वारदात के स्थान से काफी चीजें कब्जे में मिली हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि होटल में जब दिव्या की डेड बॉडी को बाहर लाया गया तब होटल के रिसेप्शन की लाइटें भी बंद की गई थी। हालांकि अभी भी पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है ताकि इस मामले से जुड़े और सबूतों को इकट्ठा किया जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।